सकता नहीं। जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। यूपी के फिरोजाबाद में दिग्गज नेता सर्वेश यादव ने सिरसागंज सीट से सपा से नामांकन किया। जनपद फिरोजाबाद में सिरसागंज विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में महत्वपूर्ण सीट है। यहां से मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव ने 2017 में भाजपा को हराकर अपनी जीत दर्ज कराई थी। मुलायम सिंह के बागी समधी हरिओम यादव को पार्टी से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने अब समाजवादी पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं सपा ने दिग्गज प्रत्याशी सर्वेश यादव को मैदान में तारा है। 99 विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज से समाजवादी प्रत्याशी सर्वेश यादव ने आज शनिवार को समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पर अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार पर्चा दाखिल करने के लिए एक ही व्यक्ति के साथ दो लोग ही अंदर जाने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। नामांकन के दौरान समाजवादी प्रत्याशी सर्वेश यादव ने समाजवादी योजनाओं के बारे में बताया और अन्य मुद्दों पर वोट मांगने की अपील की। वो फतेहपुर गांव के निवासी हैं। पूर्व में सर्वेश की पत्नी रामबेटी 2010 में जिला पंचायत सदस्य भी चुनी गई थी। पब्लिक में हमारी पार्टी के जो विकास है, नीति है, अभी हरिओम यादव आए थे, हमने उनसे बात की कि सर्वेश यादव आपके टक्कर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिला पंचायत में उनको हमने हराया था। जिला पंचायत में हारना जीतना अलग विषय था, हमारे दो चिन्ह थे, हमारा ही था डमी कप प्लेट और हमारा ही था चाय की केतली, तो चाय से रिलेटिव दोनों चिन्ह थे। मतदाता कन्फ्यूजन रहा, हमारे जो 2460 वोट पड़े हमारे डमी में, उसकी वजह से हम चुनाव थोड़ा सा पीछे रहे। और उस चुनाव में ये भी था कि सामने विधायक जी का चुनाव था, हम एक जिला पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ रहे थे। अब ये हमारी पार्टी की नीति और सिद्धांत का चुनाव, हमारी पार्टी में न कभी टिकट बिका और न आगे बिके। भले और सज्जन ईमानदार लोगों को टिकट दिया जाता है, हमारे यहाँ टिकट दिया। क्या लगता है कौन से नंबर पर रहेंगे हरिओम यादव आपके हिसाब से? अब ये तो समय बताएगा कौन से नंबर पर रहेंगे। अब ये तो मतदाता की ताकत है, मतदाता की ताकत बताती है। अखिलेश यादव जी आएंगे या कोई मीटिंग करने या सिरसागंज में? पड़ोस में ही लड़ रहा है। पड़ोस में लड़ रहा है, बिल्कुल पड़ोस की विधानसभा में लड़ रहे हैं। एक ही सीमा है हमारी, उनकी सीमा ही एक है। आपका प्रचार करने जैसे आ सकते हैं, उम्मीद है उन्हें बुलाएंगे, हमारे नेता हैं और कार्यक्रम के हिसाब से हो सकता है आएंगे, 100% आएंगे। कितने वोटों से जीत मान लें समाजवादी, कितने वोटों से सिरसागंज में जीत हासिल कर सकते? हमारा मेरा उम्मीद है मानना 50-60 से नीचे नहीं आए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।